आज नरेंद्र मोदी दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की पहली औपचारिक बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। पार्टी ने बैठक के एजेंडे का खुलासा तो नहीं किया, लेकिन माना यह जा रहा है कि मोदी की रैली और सभाओं को लेकर माथापच्ची हो सकती है। प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद मोदी पर पूरी पार्टी की नजरें टिकी हैं। उम्मीद ये कि वो प्रचार और पार्टी को नई दिशा देंगे। पहली बैठक तो मोदी ने आनन फानन में बुला ली, जिसमें कई महासचिव तक नहीं पहुंच पाए थे। अब मोदी पार्टी कार्यालय में पहले संसदीय बोर्ड की बैठक में हिस्सा लेंगे और फिर प्रचार समिति के सदस्यों को भी बैठक में शामिल कर लिया जाएगा, ताकि जो फैसले हों उस पर तुरंत ही समिति की मोहर लग जाए। वैसे पार्टी इस बैठक का एजेंडा साफ नहीं कर रही है। नरेंद्र भाई कल आ रहे हैं और कुछ क्या कमेटियों का भी अनाउंसमेंट होगा? नहीं, वो मुझे जानकारी नहीं कमेटी वगैरह का, लेकिन उसमें हम चर्चा करेंगे। नरेंद्र भाई उसके अध्यक्ष हैं, वो जरूर रहेंगे। हालांकि प्रचार समिति के सदस्यों के नाम का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि इसमें 15 से 16 सदस्य होंगे, जिनमें 9 महासचिव मुख्तार अब्बास नकवी, सुधांशु त्रिवेदी, पीयूष गोयल और 2 सह संगठन महामंत्री मौजूद होंगे। मोदी ने अपनी पहली बैठक में समझा दिया है कि अल्पसंख्यकों को नरम करने का एजेंडा भी चलेगा, जिसके फौरन बाद अल्पसंख्यकों के लिए अलग चार्टर बनाने का ऐलान कर दिया गया है। अब चर्चा इस बात पर होगी कि मोदी की देश भर में रैलियां, कार्यकर्ता सम्मेलनों को अंतिम रूप कैसे दिया जाए। देखिए, चुनाव अभियान और चुनाव की तैयारियों के संबंध में लगातार बातचीत और बैठकें चल रही हैं और कल इस बारे में सभी लोग बैठेंगे और चुनाव की रणनीति, चुनाव के आक्रामक योजना और साथ ही साथ राज्यवार राज्यों में क्या स्थिति है, राज्यों में राजनीतिक, सामाजिक, भौगोलिक तमाम जो पहलू हैं उन पहलुओं पर जो है वो चर्चा होगी और रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। उसके बाद चुनाव की जो समिति है, अभियान की समिति, वो आगे काम करेगी इसमें। लेकिन ये साफ है कि अंतरिम फैसला संसदीय बोर्ड ही करेगा, तभी तो संसदीय बोर्ड की बैठक के साथ प्रचार समिति की बैठक का ऐलान किया गया है। शायद मोदी भी समझ गए हैं कि फिलहाल पार्टी को साथ लेकर चलना बेहद जरूरी है। अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक।